Good morning, students. Here your teacher Bhavna comes with a new topic from 6th class from your channel Edubunch. Our topic is the poem explanation, The Kite, which is at the end of your chapter. Now, the kite poem is How Bright on the Blue, as a kite when it's new. कि जब खुले आसमान में जो आसमान बिल्कुल साफ होता है और एक नई काइट काइट मतलब पतंग फ्लाई करती है तो विथ अ डाइव एंड अ डिप बिल्कुल जैसे एक आपने देखा होगा जिमनास्टिक वगैरह जो गेम होता है उनमें जब हम स्विमिंग के लिए आते हैं बहुत सारे लोग ऊपर एक स्टेज ऐसा होता है उससे जंप करते हैं उस जंप को ही डाइव एंड डिप बोलते हैं डाइव मतलब ऐसे जंप करना फर्स्ट टाइम जब नई काइट होती है आसमान में जाती है एकदम ऐसे आराम से स्मूथ इट स्नैप इट्स टेल और अपने टेल से जो पीछे वाला ऐसे ट्रायंगल जैसा हिस्सा होता है जिसे हम टेल बोलते हैं उससे ऐसे ऐसे लहराते हुए आवाज करते हुए चलती है इट मीन्स पोएट कहना चाहता है ए काइट लुक्स ब्राइट काइट बहुत सुंदर दिखती है जब खुला आसमान होता है जब वो फ्लाई करती है व्हेन इट्स फ्लाई फर्स्ट टाइम जब वो एकदम नई नई होती है और फर्स्ट टाइम फ्लाई करती है बहुत सुंदर लगती है इट्स मूव विद द सॉफ्टनेस बड़े आराम से ऊपर की तरफ उड़ती है एंड फोर्स टुगेदर हाँ भाई हवा के फोर्स के साथ भी उड़ती है कि फर्स्ट टाइम जब बड़े आराम से हवा के साथ साथ लहराते हुए आगे जाती है मेक्स इट्स टेल क्रिएट अ क्रैकिंग साउंड इन द एयर अपने टेल से फड़फड़ की आवाज करती हुई आगे की तरफ उड़ती चली जाती है सेकंड पैराग्राफ व्हेन सोर लाइक अ शीप लाइक अ सेल विद ओनली अ सेल एस ओवर जब वो जहाज की तरह तैरती हुई जैसे जहाज ओशन जहाज होता है पानी का जहाज वो हमारे समुन्द्र में तैरता चला जाता है इस तरह से एस ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स कि जैसे जब बड़े हवा चल रही थी समुद्र में तो बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं ऊपर नीचे उस तरह से आसमान में काइट उड़ती चली जा रही है जैसे समुद्र में जहाज तैरता हुआ चला जाता है क्लाइम अप द क्रेस्ट वो जो लहर जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो उसके साथ ऊपर की तरफ चला जाता है समुद्र में सिप तो वैसे ही जब हवा तेज बहती है तो पतंग ऊपर की तरफ चली जाती है ऑफ अ गस्ट एंड पुल बहुत ताकत के साथ मतलब तेज हवा में तेज हवा के साथ पतंग उड़ती हुई चली जाएगी जैसे तेज हवा के साथ उड़ती हुई चली गई एंड देन सीम टू रेस्ट जब हवा कम हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पतंग जैसे जब हवा कम हो गई तो लहरें शांत हो गई अब जो शिप है वो धीरे धीरे तैरता हुआ जाएगा इसी तरह से अब पतंग जब हवा कम हो गई तो पतंग भी ऐसे लगेगा जैसे आराम से आराम के फॉर्म में आ गई है आराम करने के लिए आ गई है दैट सीम टू द रेस्ट एज अ विंड फॉल्स जब हवा कम हो जाएगी तो वो पतंग जो है हमेशा आराम के स्थिति में आ जाएगी सच मोस्ट हेल्प द फ्लोट इन द स्काई जस्ट द वेव राइजिंग एंड फॉलिंग विद द सेम सडन ब्लो ऑफ द विंड कि जैसे ये ऊपर नीचे जाने से उसे क्या होता है उड़ने में सहायता मिलती है और जैसे हवा कम होती है हवा तेज होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और हवा कम होती है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है जैसे वो अब आराम करना चाहती है तो ये हमारे टू पैराग्राफ हो गए अब हम नेक्स्ट टू पैराग्राफ न्यू क्लास में करेंगे टिल देन हैव अ नाइस डे